सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। पहले आंगनवाड़ी सहायिका को दे दिया नियुक्ति पत्र, फिर निरस्त करके दूसरे को थमाया आदेश। महिला बाल विकास विभाग में की गई आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती में अनियमितताएं आई सामने। कार्यालय में विधवा सीता देवी 3 साल से भटक रही है, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हुआ पूरा। क्या इसके पीछे यह 17 साल से सेवारत एक कर्मचारी का हाथ है जो उसे लगातार चक्कर पर चक्कर लगवा रहा है? ये दुख भरी कहानी नपानिया गांव की सीता देवी गर्ग की है, जिसने 3 साल पहले आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। बाल विकास परियोजना ब्लॉक भदेसर में वो पिछले 3 साल से अपनी 2 अबोध बालिकाओं को लेकर चक्कर लगा रही है। बोला था वो एक आदमी नहीं होने दे रहा है, वो मैं लगा देता हूँ तो हमारे को सस्पेंड कर देते हो। लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। यहाँ सेवारत कनिष्ठ लिपिक सुमेर सिंह हर बार उसके आवेदन में कोई ना कोई कमी निकाल कर नए डॉक्यूमेंट मांगता है, जिसे पूरा करने के बाद वो नई आशा के साथ वहाँ पहुँचती है, लेकिन नियुक्ति की राह अभी तक नहीं खुली। यहाँ तक नेपानिया ग्राम पंचायत की कोरम ने सीता देवी के नाम की सहमति का पत्र भी उसे सौंप दिया है। दर दर ठोका खा रही सीता देवी की योग्यता पर सवाल उठाया गया तो उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और 10वीं की परीक्षा दे रही है। इस संबंध में नपानिया ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि 17 साल से एक ही जगह पर जमे कनिष्ठ लिपिक ने जबरन वैध्य झेल रही अबोध बालिकाओं की मां को परेशान कर रखा है, जबकि सीता देवी बाल विकास परियोजना अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों यानी विधायक सांसद से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक अपनी बात रख चुकी है, लेकिन उसकी नियुक्ति की राह अभी तक नहीं खुली। एक बार फिर से उसने अपनी नियुक्ति को लेकर अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई है। अब देखना यह है कि क्या अधिकारी एक विधवा महिला की नियुक्ति को लेकर सजगता दिखाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए NBC न्यूज 24। नमस्कार। और NBC न्यूज 24 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।